दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। ये बहुत कंट्रोवर्सी हुई है कि संगम तट के आसपास लाशें दफनाई गई। एक कोलकाता के एक बड़े अखबार ने उसका विहंगम चित्र अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया और उनका कहना था कि इस तरह की चीजें कभी नहीं होती। मैंने इसके बाद इस सब चीजों को देखने के बाद एक वीडियो में कुछ बहुत वरिष्ठतम पत्रकारों को आमंत्रित करके उस पर कमेंट लिए थे। फेम और डिफेम करती तस्वीरों का मामला था, तो उसमें एक जो वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं उनका ये भी कहना था कि ये परंपरा है और ये होता रहता है। बाद में लोग इसको मान नहीं रहते, अधिकांश लोग जो लोग वहां जानते हैं, जो लोग समझते हो तो मानते हैं, लेकिन बाहरी लोगों में इस तरह का जो जिनको नहीं पता है वो नहीं मानते हैं। आज मुकेश कनौजिया जो ये बातें बताए हैं, इस वक्त वो उसी स्थान पर खड़े हैं जहां पर 2018 के मार्च महीने में कुंभ की तैयारियों के सिलसिले में आए थे और इसी तरह की एक विहंगम, एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें शूट किए थे। सबसे पहले प्रणाम सर, जो आपने मुझे मौका दिया अपने इस चैनल पर अपने विचार रखने के लिए। मैं मुकेश कनौजिया, दैनिक जागरण प्रयागराज में फोटो जर्नलिस्ट कार्यरत हूं। और सर, ये जो तस्वीर है वो मार्च 2018 की है, जब कुंभ के 2019 की तैयारी चल रही थी। तो हम लोग यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था सिंगवेरपुर धाम पर। तो यहाँ हम लोग असाइनमेंट पर आए हुए थे, हमारे तत्कालीन संपादकीय प्रभारी मदन मोहन सिंह जी साथ में थे और वो आए थे यहाँ पर। हम लोग असाइनमेंट के दौरान यहाँ पर आए तो स्टोरी के लिए हम लोग इधर उधर तलाश रहे थे कि क्या स्टोरी है यहाँ पर। तो उसी समय अचानक जो है मदन मोहन सर ने कहा कि जरा कैमरा अपना मुझे इधर दो। तो उन्होंने अपना कैमरा मुझसे मांगा तो मैंने उनको दिया, तो उन्होंने कुछ तस्वीरें अपने से क्लिक किया। इधर चारों तरफ एंगल दे के संगम तट की ओर देखते हुए उन्होंने कई एंगल से फोटो क्लिक किया। उसके बाद उन्होंने कैमरा मुझे पकड़ा दिया और बोला कि जाओ कुछ ये जो लाश दफन की गई है तट पर, गंगा के तट पर, उन तस्वीरों को विहंगम शूट करो इसको। तो मैंने अलग अलग तरीके से इसको शूट किया तो वहां पर सैकड़ों लाशें, कह रही है कि हजारों लाशें गंगा तट पर दफनाई गई थी। उस पिक्चर में क्या है, आपकी 3-4-5 पिक्चरें मैंने देखा है, तो उस पिक्चरों में क्या क्या है, एक एक पिक्चर में आपको तो याद रहता ही है, जरा बताइए। जी जी, उस समय ना कोरोना काल था सर, और ना ही मतलब इस तरह की आपदा थी। तो यहाँ पर सर प्रथा है कि जैसे यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग लाते हैं, शवों को दफनाते हैं नदी के किनारे पर, हजारों की संख्या में उस दौरान जो है वो तट, गंगा के तट पर वहां पर दफनाया गया था। और आज हम जो आज भी हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि सर आज थोड़ी सी अधिकता है, मतलब आज मतलब शवों की अधिकता है, लेकिन प्रथा ये सर पुरानी है गंगा तट पर शवों को दफनाने की। सर हमारे उस समय के संपादकीय प्रभारी सर मदन मोहन सिंह जी थे, ज्ञानेन्द्र सिंह जी थे, और हमारे जो है चालक वीरेंद्र जी थे, और हमारे स्थानीय रिपोर्टर वहां का सर वो मौजूद था सर।